यूपी की आदित्यनाथ सरकार में एक और रार खुलकर सामने आई है, जिसका खुलासा नेशनल वॉइस के कैमरे पर हुआ है, जिसमें राज्य मंत्री धुन्नी सिंह ने कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही पर आरोप लगाए हैं और कैबिनेट मंत्री अपने राज्य मंत्री को बैठक में नहीं बुलाते। क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। योगी सरकार में मंत्रियों में है 36 के आंकड़े। मंत्रियों के बीच की ये रार अब खुलकर सामने आ रही है। आरोप है कि कैबिनेट मंत्री अपने राज्य मंत्री को बैठक में नहीं बुलाते। राज्य मंत्री धुन्नी सिंह ने योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही पर आरोप लगाए कि मंत्री जी उन्हें याद नहीं करते। मुझे सूचना नहीं दी गई, मैं घर पे था लेकिन मुझे किसी तरह की कोई सूचना नहीं दी गई, इसलिए मैं वहां पे नहीं जा सकता। वो आवश्यकता न समझे होंगे, अपनी सुविधा के हिसाब से उन्होंने कर लिया होगा या उनके समय न रहा होगा बुलाने के लिए, इसलिए उन्होंने न बुलाया होगा। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को एक साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। सरकार का नारा है सबका साथ सबका विकास, लेकिन सरकार के मंत्रिमंडल के सदस्य ही एक दूसरे से नाराज हैं। बता दें, इससे पहले भी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर और सीएम के बीच खुलकर रार सामने आ चुकी है। वहीं कार्यकर्ता भी लगातार पार्टी आलाकमान पर अनदेखी के आरोप लगाते रहते हैं। हालांकि सूर्य प्रताप शाही प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, उनको मालूम है कि नाराज लोगों को कैसे साधा जाता है। देखिए, हमारे हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैबिनेट मंत्री जी, हमारे राज्य मंत्री जी रहे हैं। आज संयोग से जो है वो नहीं है, आज संयोग से नहीं है, ये कहना उचित आपका नहीं है। मेरे हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे राज्य मंत्री रहे हैं। वहीं बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह संगठन से लेकर सरकार के झगड़े सुलझाने के लिए लखनऊ आ रहे हैं। बता दें, सरकार पर संगठन का आरोप लगता रहा है कि कार्यकर्ताओं की सरकार में सुनी नहीं जाती, और अब मंत्री यहां तक कहने लगे हैं कि उन्हें कोई पूछता ही नहीं। मुझे सूचना नहीं दी गई, मैं घर पे था लेकिन मुझे किसी तरह की कोई सूचना नहीं दी गई, इसलिए मैं वहां पे नहीं जा सकता। वो आवश्यकता न समझे होंगे, अपनी सुविधा के हिसाब से उन्होंने कर लिया होगा या उनके समय न रहा होगा बुलाने के लिए, इसलिए उन्होंने न बुलाया होगा। अभी देखने वाली बात होगी, क्या अमित शाह सरकार से लेकर संगठन में मचे घमासान को विराम दे पाएंगे या मंत्री यूं ही अपना दर्द कैमरे पर बयां करते नजर आएंगे। लखनऊ से नेशनल वॉइस के लिए रजनीश पांडे की रिपोर्ट।